हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर। इस लेक्चर में हम ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, टेबल्स, इनको समझते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले ग्राफ्स का फर्स्ट पार्ट, विच इज़ बार ग्राफ्स। हम बार ग्राफ्स देखेंगे, लाइन ग्राफ्स देखेंगे। अभी आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। बार ग्राफ्स क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। जब आपको किसी ग्राफ में, जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी, वहाँ पर जब आपको बार्स दिखाई दें, इनको हम बोलते हैं बार ग्राफ। इन बार्स को रीड करना आना चाहिए। एक्स एक्सिस में आपको कोई भी रीडिंग नहीं दिख रही है। बार्स में जनरली एक एक्सिस में आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल, किस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है और उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू आपको वाई एक्सिस पे दिखाई देगी, उसकी क्लासिफिकेशन आपको एक्स एक्सिस पे दिखाई देगी, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपको क्लासिफिकेशन वाई एक्सिस पे दिखाई दे और वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पे दिखाई दे। तो इतना यहाँ पर सोचना नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बार ग्राफ में आपको क्लियर वैल्यूज़ दी हुई है और इन वैल्यूज़ के बेसिस पे आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसा क्वेश्चन में आपको बताया गया होगा। सबसे अच्छा तरीका, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कैसे हमें सॉल्व करना है। ये आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सिंगिंग एंड डांसिंग क्लासेस टुगेदर टू दोज एनरोल्ड इन ड्रामा क्लासेस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। सबसे पहले आपसे ये पूछा हुआ है व्हाट इज़ द रेशियो, तो कुछ एक्स अपॉन वाई होगा। आपसे ये बोला हुआ है कि स्टूडेंट एनरोल्ड इन सिंगिंग क्लासेस टुगेदर, सिंगिंग और डांसिंग क्लासेस को एक साथ आपको न्यूमरेटर में रखना है। तो सिंगिंग प्लस डांसिंग अपॉन दोज एनरोल्ड इन ड्रामा क्लासेस, तो ड्रामा वालों को हमें डिनोमिनेटर में रखना है, ये रेशियो बताना है। तो सिंगिंग क्लासेस ये हैं, डांसिंग क्लासेस ये हैं, ड्रामा क्लासेस हमें यहाँ पर दी हुई हैं। तो बेसिकली 18%, 21% और 13% को हमें कैलकुलेट करना है। कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमें तो यहाँ परसेंटेज में बात की हुई है, रेशियो कैसे निकालें, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर तो दिए नहीं हुए हैं, तो क्या पहले हमें नंबर निकालना पड़ेगा। इस बार ग्राफ में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको नंबर निकालने का कोई तरीका ही नहीं मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस यू नो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यू कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंटेज इन अ पर्टिकुलर सबसेक्शन। बट एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, रेशियो के लिए यू डोंट नीड टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू। रेशियो किन्हीं दो चीज़ों का आपस में रिस्पेक्टिव पोजीशन देखी जाती है। तो अगर एक्स नंबर है तो वाई भी नंबर होना चाहिए इन द सेम डोमेन। अगर एक्स परसेंटेज है तो वाई भी परसेंटेज होनी चाहिए इन द सेम डोमेन। इनको डिवाइड करोगे तो ये रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर सोचना इतना ज़्यादा नहीं था आपको, राइट। सो हमें सिंगिंग और डांसिंग का परसेंटेज ऐड ऑन करना है। 21% प्लस 18%, ये टोटल आ जाएगा आपका 39%। और हमें यहाँ पे ड्रामा बोला हुआ है 13%, इनका रेशियो निकालना है। 39/13, 3:1 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ दोज एनरोल्ड इन सिंगिंग क्लासेस। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछी हुई है। रेशियो होता है सिंपल एक्स बाय वाई कर देते हम, लेकिन यहाँ परसेंटेज पूछी हुई है। तो पेंटिंग की जो क्लासेस हैं उसका हमें सिंगिंग से कंपैरिजन करना है और परसेंटेज बतानी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन पेंटिंग क्लासेस एज कम्पेयर टू सिंगिंग क्लासेस, ये परसेंटेज क्या है। अब अगेन आपके पास यहाँ पर नंबर तो नहीं है, परसेंटेज है। मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूँ। मान लो कुछ एक एक्स नंबर होता जिसका परसेंटेज हमें बताया गया है इन दी बार ग्राफ हियर। तो सबसे पहले पेंटिंग की बात हो रही है, पेंटिंग ये रहा, 15% ऑफ एक्स की बात हो रही थी, तो 15/100 एक्स, ऐसे हम इसको डिनोट करते। दूसरी तरफ बात हो रही है सिंगिंग क्लासेस की, सिंगिंग क्लासेस ये रही, ये 18% ऑफ एक्स है, टोटल परसेंटेज हम एक्स मान रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पर अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो 100 कट जाएगा, एक्स भी कट जाएगा, बचना वही 15/18 है। इसीलिए जब दोनों कंपेरेबल डोमेन में है, सेम परसेंटेज ऑफ द टोटल सेट, सिमिलर सेट है, एक ही सेट की परसेंटेज डिवाइड की हुई है, तो सिंपली उनको आपस में डिवाइड कर दो। आपको करना क्या है कि 15/18 इंटू 100, ये लगभग आएगा 83.33%। और देखो आपसे पूछा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली है तो 83% को हम टिक कर देंगे।
तो मेन बात यह है कि बार ग्राफ्स में आपको वैल्यूज रीड करनी आनी चाहिए और फिर ऑपरेशन आपको क्या बोला हुआ है उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। एक और बार ग्राफ देख लेते हैं, एक अलग टाइप है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि आपको ईयर्स दिए हुए हैं, ये रेफरेंस पीरियड है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमें सिर्फ रेफरेंस से काम चलाना है कि हमें आपस में कंपेयर करनी है कुछ वैल्यूज़ को। और देखो ये जो बार ग्राफ बनाए हुए हैं, इनकी कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हमें वाई एक्सिस पे मिल रही हैं। और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको डुअल बार ग्राफ्स दिए हुए हैं, हर एक एक्स डोमेन में आपको दो दो वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपको केयरफुली इनको ऑब्जर्व करना है। वाइट है, ब्लैंक और एक शेडेड पोर्शन है। शेडेड पोर्शन आपको वाई बताया हुआ है, ब्लैंक आपको एक्स बताया हुआ है। तो आपको इस ग्राफ को रीड करना आना चाहिए सबसे पहली बात, ऑपरेशन तो तभी करोगे। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसके बाद सॉल्व करते हुए और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक्स और वाई कमोडिटी की प्रोडक्शन की बात हो रही है, वो प्लॉट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टू कमोडिटीज टुगेदर इज इक्वल, एक्स और वाई की बात हो रही है। काफ़ी लोग इसको पढ़ के कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा साल है जहाँ पर एक्स की प्रोडक्शन इज इक्वल टू वाई की प्रोडक्शन। तो 2008 सही आंसर सोच के बैठ जाएंगे। अगर ये कन्फ्यूजन में एक और ऑप्शन यहाँ पर बन जाता तो आप गलत मार्क कर देते। केयरफुली रीड द क्वेश्चन, आपसे ये नहीं पूछा हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू वाई कौन से ईयर में है, आपसे उस पर्टिकुलर ईयर के पेयर के बारे में पूछा हुआ है जहाँ पर एक्स प्लस वाई फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई फॉर अनदर ईयर। तो हमें ये वाइट और शेडेड पोर्शन की वैल्यूज़ को एड अप करके देखना है कि कौन से दो सालों में सेम वैल्यू निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जितनी भी बीच वाली वैल्यूज़ हैं इनको हम मिड में मान लेते हैं कि ये 125 है, ये 150 है। तो यहाँ पर हमारा टोटल सम हो गया 275 फॉर 2007। 2008 के लिए हम 175 प्लस 175 कर लेते हैं, दिस वुड बी रफली अबाउट 350। फॉर 2009 हम कैलकुलेट करते हैं 200 प्लस 150, ये भी 350 आया है। फिर 2010 के लिए हम कैलकुलेट करते हैं 175 प्लस 150, ये 325 होगा। फॉर 2011 हम कैलकुलेट करते हैं 225 प्लस 250, दिस वुड बी 475। फिर 2012 के लिए 200 प्लस 225 वुड बी 425। और 2013 के लिए 250 प्लस 200 वुड बी 450। अब देखो 450, 425, 475, 325, 275 कुछ भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ 350 और 350 2008 और 9 के लिए मैच हो रहे हैं। सो आर आंसर वुड बी डी, 2008 एंड 2009 में टोटल सम ऑफ एक्स प्लस वाई इज सेम। फिर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज एक्स एंड वाई फॉर ऑल द 7 ईयर्स टुगेदर। ध्यान से समझो क्वेश्चन को, आपसे रेशियो पूछा हुआ है तो समथिंग अपॉन समथिंग तो होगा। रेशियो किसके पीछे पूछा हुआ है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज एक्स एंड वाई फॉर ऑल द 7 ईयर्स। इसका मतलब एक्स ऑफ 2007 प्लस एक्स ऑफ 2008 ऐसे करते करते 2013 तक मैं ऐड करूँगा, और अपॉन मैं एवरेज निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ईयर्स हैं ये हमें, अपॉन टोटल वैल्यूज़ ऑफ वाई। तो वाई भी हम सभी सालों की एड अप कर देंगे और ऐसे करते हुए हमारा रेशियो निकलाएगा। तो आपको करना क्या है, अब जितने भी ये ब्लैंक वाले एक्स हैं इनको एड अप कर लो, और फिर वाई जितने भी हैं शेडेड वाले इनको एड अप कर लो, और रेशियो निकालना है। कैसे निकलेगा? सबसे पहले हमें पता है फॉर 2007 इट इज़ 125, फिर उसके बाद 2008 के लिए एक्स वुड बी 175, उसके बाद 2009 के लिए इट इज़ 150, फिर 2010 के लिए इट इज़ 175, उसके बाद 2011 के लिए इट इज़ 225, देन विल एड इट अप फॉर 2012, यहाँ पर देखो इट इज़ 200, फिर उसके बाद 2013 के लिए जो एक्स है इट इज़ अबाउट 250। ये तो एक्स हो गए, अब वाई कैलकुलेट करने हैं। वाई देखो 150, 225, 150 प्लस 225, उसके बाद 2009 के लिए यहाँ पर हम देखेंगे इट इज़ 200, फिर उसके बाद 2010 के लिए हम यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ 150, उसके बाद 2011 के लिए सबसे ऊपर देखो यहाँ पर है 250, 2012 के लिए ये है 225,
और फिर 2013 के लिए हमें यहाँ पर वाई दिख रहा है, दिस इज़ 200। इन सब को ऐड अप कर लो, ये न्यूमरेटर है पूरा ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर है, और फाइनल आंसर हमें निकाल लेना है। आंसर होगा बी 13:14। टोटल आपका यहाँ पर 1300 बाय 1400 बनेगा ऐड अप करने के बाद, तो 13:14 वुड बी द आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर वॉज द मैक्सिमम। इंक्रीज डिक्रीज दोनों देखना है कि मतलब वो काउंट क्या है, कि जब इंक्रीज मैक्सिमम हो या डिक्रीज मैक्सिमम हो, एंड दैट टू ओनली फॉर एक्स। ये 125 से एक्स में जो इंक्रीज आया है वो 175 का, यहाँ पर 50 जंप हमें दिखाई दे रहा है, सब्सिक्वेंट ईयर में देखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखो, 175 से एक्स डिक्रीज हुआ है टू 150, यहाँ पर -25 का ड्रॉप आया है। फिर 150 से हम देख रहे हैं 175 गया है, तो ये 25 का प्लस हो गया है, यहाँ पर एक्स में इंक्रीज आया है। देन 175 से इवेंचुअली 225 तक गया है, यहाँ पर हमें 50 का जंप दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद 225 से हमें नीचे 200 तक एक्स ड्रॉप होता दिखाई दे रहा है, -25 का ड्रॉप है। 200 से हमें 250 का जंप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 50 का प्लस है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि 50, 25, 25, 50, ये तो प्लस माइनस हो रहा है, तो हम कैसे पता लगाएं कि सबसे ज़्यादा एडिशन कहाँ पर हो रही है। आपसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम इंक्रीज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, परसेंटेज में देखना है आपको। 125 के लिए जब 175 पे जाने का एक एडिशन 50 का है, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 125 था, और 50 का इंक्रीज आया है, तो 50 एज अ परसेंटेज ऑफ 125 वुड बी मच बिगर एज कंपेयर टू 50 एज अ परसेंटेज ऑफ 200। 50 को अगर मैं 125 की परसेंटेज के हिसाब से देखूं, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 50 फॉर 200। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज है वो 2007 से 2008 के बीच में आया है, तो 2008 विल बी आर आंसर, कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले सबसे ज़्यादा इंक्रीज परसेंटेज वाइज हमें यहाँ देखने को मिला है। इससे एक चीज़ आपको और समझ में आई होगी। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि काफ़ी लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगा हो और वो ये एंटिसिपेट ना कर पाए कि परसेंटेज में बताना है कि एग्जैक्ट नंबर के हिसाब से चलना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको कोई ग्राफ दिया है या कोई पैसेज दिया है या कोई पाई चार्ट है, उसके बेसिस पे दो तीन क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों क्वेश्चन का आंसर करो, ज़रूरी नहीं है कि तीनों क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। आपको अगर ग्राफ समझ में आ गया है, दो क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो गए हैं, तीसरे में आप फंस गए हो, कन्फ्यूजन लग रही है, आप उस एक क्वेश्चन को स्किप भी कर दो, कोई आपके तीनों क्वेश्चन तो गलत नहीं हो जाएंगे। इंडिविजुअल क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो अलग बात है कि जो डेटा इंटरप्रेट करना है वो कॉमन है तीनों क्वेश्चन के लिए, बट उनके मार्क्स तो इंडिविजुअल हैं। तो इस केस में अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को ठीक कर देते और थर्ड आपका गलत हो जाता है, या आप स्किप कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर लॉजिकली आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको सिर्फ टाइप्स दिखा रहा हूँ, तो आपको टाइप सब तरीके के पता होने चाहिए। फिर एक और टाइप दिखाता हूँ मैं आपको बार ग्राफ का। अभी तक तो मैंने देखा कि सिंगल ग्राफ था, डबल ग्राफ था, अब यहाँ पर आपको मिक्स्ड बार ग्राफ दिखाई दे रहा है, कि ठीक है रेफरेंस पीरियड आपको दिया हुआ है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, और वैल्यूज़ आपको रेफरेंस पीरियड में कमोडिटीज़ की एक के ऊपर एक स्टैक करके दी हुई हैं, तो ये आपको आपस में कंपेयर करनी आनी चाहिए। हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए इनको आपस में कंपेयर करके बोल दिया जाए कि कंपेयर ऑल दी शेडेड पोर्शंस फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, या ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअल वैल्यूज़ को अक्रॉस ईयर आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए। दो बेसिकली टाइप बन सकते हैं, दोनों के लिए तैयार रहना है। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको प्रेशियस स्टोन्स बताए हुए हैं, ईयर का रेफरेंस देखो 2005-06 से लेके 9-10 का है, जो कि आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिया हुआ है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, और वैल्यूज़ आपको इन स्टोन्स के बारे में बताई हुई हैं, ये शेडेड पोर्शन आपको इस हिसाब से ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि कौन सा शेडेड पोर्शन कहाँ पर है। आपसे पूछा ये हुआ है, व्हाट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ रूबी एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स फॉर द गिवन पीरियड। कोई एक पर्टिकुलर ईयर के लिए नहीं पूछा है, सभी ईयर्स के लिए कंबाइन पूछा है। तो करना क्या है आपको कि रूबी फॉर 2005, फिर रूबी फॉर 6 प्लस रूबी 7, ऐसे करते हुए आपको सभी ईयर्स के लिए काउंट कर लेना है। पांच ईयर आपको दिए हुए हैं और सभी स्टोन्स का आपको पूछा हुआ है, तो यू वुड लुक एट द टोटल सेल्स ऑफ ऑल स्टोन्स, काम आपका हो गया। व्हेन आई से टोटल सेल्स ऑफ ऑल स्टोन्स, ये सभी ईयर्स के लिए है, 2005 टू 2009-10 वाला।
अब टोटल सेल्स के लिए आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इंडिविजुअल एक एक करने की तो जरूरत नहीं है। आप देखो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है 1000, ये टोटल है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। फिर आपको 1800, 1400, 1100, 900 इनको ऐड अप कर दोगे तो डिनोमिनेटर आ गया टोटल सेल्स ऑफ ऑल द ईयर, क्योंकि एक के ऊपर एक स्टैक क्यों है। ये अगर 200 मार्क किया हुआ है और यहाँ पर 500 मार्क किया हुआ है, तो अगर आपको ये एमेराल्ड है, एमेराल्ड की वैल्यू पता करनी है, तो दैट वुड बी 500 माइनस 200, ये 300 ही है। ये मत सोचना कि 500 है तो पूरा 500 है, बिकॉज 500 पूरी वैल्यू दी हुई है आपको, स्टैक है एक के ऊपर एक ही। ये टोपैज पूरा 200 है, एमेराल्ड यहाँ पर 500 माइनस 200 300 है। उसके बाद रूबी अगर आप देखोगे तो 700 माइनस 500 ये 200 है। ऐसे ही आपको स्टैक्स सब्ट्रैक्ट करके आपके निकालने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। राइट, सो डिनोमिनेटर क्या होगा कैलकुलेट करने के बाद? डिनोमिनेटर हमारा 6200 आ गया, और ऊपर हमें रूबी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। रूबी देखो ये स्लांटेड शेड है, तो यहाँ पर 200 है रूबी, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 1000 माइनस 800 200 है, यहाँ पर 800 माइनस 600 200 है, इधर 600 माइनस 400 200 है। तो बेसिकली रूबी को जब हम कैलकुलेट करेंगे, दिस वुड बी 900 अपॉन 6200, इसकी हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ये 6200 नहीं होगा, ये 5200 होगा। तो बेसिकली परसेंटेज वुड बी 900 बाई 5200 इनटू 100, आंसर वुड बी ए 17.3%। डिनोमिनेटर में हमने बेसिकली 1000 और 800, 1400, 1100, 900 को ऐड अप कर दिया है, तो 5200 आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज एनुअल सेल्स, एवरेज एनुअल सेल्स ऑफ एमराल्ड फॉर द गिवन पीरियड मोर देन द सेल्स ऑफ ओपल इन 2008-09। ध्यान से समझो, 2008-09 की हमें ओपल की सेल्स देखनी है। ओपल हमें यहाँ पर ढूंढना है कौन सा वाला है, ये ओपल है, इसका मतलब ये ओपल है, इसका मतलब ये 200 हो गया, 1000 माइनस 800। अब हमें एमराल्ड की देखनी है सेल्स, किसी भी साल एमराल्ड की सेल ओपल की 2008-09 की सेल से ज़्यादा है तो हमें बताना है। सभी सालों की एमराल्ड की सेल की एवरेज हमें बतानी है कि कितनी ज़्यादा है ओपल की 2008-09 की सेल से। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको, बाय व्हाट परसेंटेज इज द एवरेज एनुअल सेल्स ऑफ एमराल्ड मोर देन द सेल्स ऑफ ओपल इन 2008-09। तो 2008-09 की ओपल की हमने निकाल ली है, हमारा डिनोमिनेटर तो फॉर श्योर यहाँ पे 200 हो गया है, और हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज निकालने के लिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मोर देन बोला है तो हमें एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 करना होगा, तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी कि व्हाट परसेंटेज मोर एज कम्पेयर टू वाई इज़ एक्स। अब एमराल्ड कहाँ पर है, ये एमराल्ड है, एमराल्ड की एवरेज वैल्यूज़ हमें निकालनी है, तो सब की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए हर साल में हमें। 2005 में ये 300 आ रहा है एमराल्ड, ये 200 है, 300 माइनस 100। 2007-08 में 800 माइनस 400 ये 400 है। 2008-09 में 600 माइनस 300 ये 300 है। और 2009 में अगर हम देखेंगे तो 400 माइनस 200 ये 200 है। इनको ऐड अप कर लो, ये 1400 होगा। अब 1400 तो हो गई एमराल्ड की टोटल वैल्यू, तो क्या इससे हम ओपल को माइनस करके आंसर निकाल लेंगे? द आंसर इज नो। ध्यान से पढ़ो, आपको बोला है एवरेज एनुअल सेल्स ऑफ एमराल्ड, इसका मतलब ये है कि आपने जो 1400 अभी निकाल लिया है टोटल सेल्स ऑफ एमराल्ड है, इसकी एवरेज भी तो निकालोगे। एवरेज 5 साल की निकालनी है आपको, तो डिवाइड बाय 5, टोटल 5 साल हैं जिसमें टोटल यूनिट्स आपके पास 1400 आ रही हैं, डिवाइडेड बाय 5 आपकी टोटल एवरेज आ जाएगी, दिस वुड बी 280। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1400 हियर, आपको करना ये है कि एवरेज निकाली और 280 जो एवरेज है उसको यूज़ किया, तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस वुड बी 80 अपॉन 200 इंटू 100, ये परसेंटेज हो गई आपकी। सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 40%, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सेल्स ऑफ टोपैज इंक्रीज फ्रॉम 2004 टू 2005 बाई 25% एंड इंक्रीज फ्रॉम 9 टू 10 बाई 50%, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ टोपैज इन 2004 एंड 2010।
2010-11 और ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि 2009 टू 2010-11 बोला हुआ है, लेकिन अगर आप ग्राफ में ऑब्जर्व करोगे तो कहीं पे भी आपको 2010-11 तो दिया ही नहीं हुआ है। इसीलिए आपको एक हाइपोथेटिकल केस बना के दिया है कि मान लो यहाँ पे 2010-11 भी है, उसके बीच में कंपैरिजन दिया हुआ है कि 2004 से 5 के बीच में 25% का जंप है टोपैज में। टोपैज हमें देखना है। अब आप ये मत सोचना कि 25% बोला है तो मैं यहाँ पर कंपेयर करके देखता हूँ 25% है कि नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज आपको एक हाइपोथेटिकल केस बनाया है। अब ये बार ग्राफ की वैल्यू खत्म हो गई है थर्ड क्वेश्चन में। आपको क्लियरली बोला हुआ है कि 25% का जंप है, तो मान के चलो कि जंप है। अगर 2004-05 में वैल्यू 100 थी, हाइपोथेटिकल केस बना के चलते हैं, तो 2005-06 में 125 हो चुकी है। सिंपल, जब आपको परसेंटेज से परसेंटेज कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाए तो 100 मान लिया करो बेस वैल्यू को, और फिर बढ़ाते चलो। अगर 100 से 25% का इंक्रीज़ आया है तो 125 हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि 2005-06 आपके पास लीस्ट वैल्यू अवेलेबल है, 2009-10 मैक्सिमम वैल्यू अवेलेबल है ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको 2004-05 और 10-11 भी दिए हुए हैं। इसका मतलब आपको ना सिर्फ 2010-11 बट 2004-05 भी क्रिएट करके दिया हुआ है। अब आपको बोला ये हुआ है कि 25% का इंक्रीज़ आया है 2004 और 2005 के बीच में। आपको ये पता है कि 2005 में टोपैज की वैल्यू 200 है और 25% का इंक्रीज़ आने के बाद 200 हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि 25% इज़ इक्वल टू कुछ वैल्यू एक्स की रही होगी। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। 25% आपको आंसर दिया हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि चेंज हुआ है परसेंटेज का 25%, तो वैल्यूज़ हमें पता है, 200 तो हमें पता ही है एक्स की वैल्यू, माइनस वाई हमें नहीं पता है क्योंकि 2004-05 का डेटा दिया ही नहीं हुआ है, अपॉन वाई इंटू 100। ये कैलकुलेट करके हमें वाई निकाल लेना सबसे पहले। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा कि 25y इज इक्वल टू 200 इंटू 100 माइनस 100y, ये इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 125y बन जाएगा। 125y को हम 200 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 160 आ जाएगा। तो हमें इतना पता है कि 160 2004-05 में वैल्यू थी, 160 और उससे बढ़ के 200 हो गया, जो हमें डेटा पता है यहाँ पर दिया हुआ है फॉर 2005-06। अब 2009-10 का डेटा हमारे पास है, बोला ये हुआ है कि 2009-10 से 10-11 में 50% का इंक्रीज़ आया है। 2009-10 का टोपैज का डेटा अगर हम देखेंगे, हमारे पास 200 वैल्यू है, 200 से बढ़ के कुछ वैल्यू हो गई है, ये कह रहे हैं 50% का इंक्रीज़ आया है। नेचुरली 200 का 50% इंक्रीज़ होगा तो वैल्यू 300 हो गई है। अब हमें इतना पता चल गया है कि 04 से 05 और फिर 09 से 10 ये साल जो हैं ये बढ़ते हुए वैल्यूज़ इस तरीके से आ गई हैं। आपसे पूछा क्या हुआ है कि 2010 में और 2004 में कितना डिफरेंस है प्रोडक्शन का, तो सिंपली 300 माइनस 160 कर दो, आपका आंसर आ गया 140। अब 140 देख के आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि आपको ये वैल्यूज थाउजेंड्स में दी हुई है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली बी हो गया, 140,000 इज़ 1,40,000 ओनली। ऐसे ही कैलकुलेट करना था। फिर एक टाइप देखते हैं ग्राफ का, विच इज़ लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में आपको क्या देखना होता है, फिर से वही रेफरेंस पीरियड आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपको वैल्यू प्लॉट करके दी हुई है। ये वैल्यूज़ हैं जो वाई एक्सिस की प्लॉट हो रखी हैं, इनको आपस में कंपेयर करना है जैसे हम बार ग्राफ में करते हुए आए थे। क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस मैक्सिमम। ये आपको वीट का ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको राइस का ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा वो साल था जिसमें वीट और राइस की प्रोडक्शन का डिफरेंस मैक्सिमम था? 2008 में 100 और 200 जो डिफरेंस है वो हो गया 100। उसके बाद 2009 में 200 और 150 जो डिफरेंस है वो है -50। हमेशा वीट माइनस राइस कर रहे हो तो वीट माइनस राइस ही करते जाओ। फिर उसके बाद 400 और 150, हमारे पास यहाँ पर 250 का डिफरेंस आ गया है। फिर 300 और 300, यहाँ पे तो ज़ीरो का डिफरेंस आया है। फिर उसके बाद 500 और 400, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंस आया है 100 का। अभी पूछ रहे हैं वो कौन सा साल है जिसमें डिफरेंस मैक्सिमम है, परसेंटेज नहीं पूछी हुई आपसे। परसेंटेज के लिए क्या बोलते हैं कि डिफरेंस इन परसेंटेज इज मैक्सिमम, डिफरेंस एज कम्पेयर टू दिस इज मैक्सिमम, कम्पेयर टू अ पर्टिकुलर ईयर
तब आप रेशियो और परसेंटेज के बारे में सोचते। अभी आपसे सिंपल डिफरेंस पूछा हुआ है तो आप बोलोगे कि 250 तो मैक्सिमम है। 250 कहाँ पे था? ये देखो हमारे पास 2010 वाला जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम है। आंसर वुड बी सी, 2010। फिर एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द रेशियो, अब रेशियो मेंशन किया आपको, बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इज मिनिमम। आपसे बोला ये हुआ है कि आप वीट और राइस की प्रोडक्शन का रेशियो निकालते चलो हर साल में, और वो रेशियो जिस साल मिनिमम हो हमें वो बता दो। क्वेश्चन को इंटरप्रेट सही से करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको रेशियोज निकालने हैं। सबसे पहले 200/100 वीट इज टू राइस पूछा हुआ है, ये पहले साल का निकल गया है यहाँ पर। फिर दूसरे साल का 150/200, तीसरे साल का 400/150, फिर चौथे साल का 300/300, और फिर लास्ट वाले साल का 500/400। रेशियो बताना है किसका मिनिमम है। मिनिमम रेशियो उसका होगा जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। एक ही आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेट करोगे अगर आपको नर्वसनेस लग रही है एग्ज़ाम के अंदर, आप चाहते हो कि 30-40 सेकंड कैलकुलेट करके श्योरिटी के साथ इसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो कर लो कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के फटाफट क्वेश्चन को करना चाहते हो तो जस्ट लुक एट दी फ्रैक्शन दैट आर अवेलेबल टू यू, ये रेशियोज़ को देखो। आपको दिखाई देगा कि न्यूमरेटर 150 है, डिनोमिनेटर 200 है। एक लौता ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये 1 से तो छोटा ही होगा फॉर श्योर। और क्योंकि ये 1 से छोटा और बाकी सारे 1 से बड़े हैं, तो डेफिनेटली 2009 हैज़ टू बी दी करेक्ट आंसर, ए इज़ राइट। फिर हम आते हैं टेबल्स पे। एक 2012 सीसैट का क्वेश्चन ही देखते हैं ताकि हमें क्लियर आइडिया लगे किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको क्लास की परफॉर्मेंस देखनी है। 1000 बच्चे आपको बताए हुए हैं, 4 डिफरेंट टेस्ट हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लास ऑफ 1000 स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट टेस्ट। आपको मार्क्स बताए हुए हैं, टेस्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको मार्क्स स्लैश टेस्ट बोला हुआ है, तो टेस्ट यहाँ पर आएगा, मार्क्स यहाँ पर आएंगे। आपको एवरेज मार्क्स बोले हुए हैं और रेंज ऑफ मार्क्स बोले हुए हैं। तो ये एवरेज मार्क्स हैं, ये रेंज ऑफ मार्क्स हैं। पेपर में भी एग्जैक्टली ऐसे ही दिया हुआ था, इसलिए मैंने ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया है। आप कंफ्यूज मत होना कि ये 80, 0, 100 क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर जो एक लाइन में लिखा हुआ है दिस इज़ एवरेज मार्क्स, और नीचे 30-90, 45-75 जो दिया हुआ है दिस इज़ द रेंज ऑफ मार्क्स। अब क्वेश्चन को पढ़ो, अभी तक तो सिर्फ आप टेबल समझिए। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 74 मार्क्स इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट, देन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्मेंस इज द बेस्ट कंपेरेटिवली। बेस्ट किससे? अपने आप से बेस्ट नहीं, अपने चारों टेस्ट से बेस्ट नहीं, बेस्ट कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट्स इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट। तो टेस्ट 1 में इस बच्चे के 74 मार्क्स को हम कंपेयर करते हैं। एवरेज बच्चों के मार्क्स आ रहे 60, टेस्ट 1 में ये लेके आ गए 74, तो बहुत अच्छी बात है, एवरेज से तो ज़्यादा ही है। 30-90 की रेंज रहती है, वहाँ पे इसके 74 मार्क्स हैं। अब पूछा है कि इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए, एवरेज से ऊपर है तो अबव एवरेज हुआ ना इन लिटरल सेंस, लेकिन 30-90 की रेंज है, वहाँ 74 है, तो ये टॉपर तो नहीं हुआ इस टेस्ट के अंदर, टॉपर तो 90 वाला हुआ ना। दूसरे केस में देखो, 74 यहाँ पे फिर से ये एवरेज से तो बढ़िया कर रहा है, ही इज़ अबव एवरेज, ही और शी इज़ अबव एवरेज, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स तो 75 हैं, 75 तो इसने टॉप तो नहीं किया, बेस्ट तो नहीं आया ये, बट फिर भी टॉपर से ये सिर्फ एक मार्क नीचे है। फिर उसके बाद 70 से ऊपर है ये 74, ठीक है मान लिया, और फिर 100 से तो ये बहुत नीचे है, 80 से ये नीचे है, 74 इसकी एवरेज ही कम आ रही है। आपसे पूछा हुआ है कि ईच ऑफ द 4 टेस्ट में इसके 74 मार्क्स आ रहे हैं, तो कहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट कंपैरेटिवली। अब टॉपर ये नहीं है किसी भी टेस्ट में, फॉर श्योर हमें समझ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि उससे नीचे सिनेरियो क्या बन रही है। ये देखो, 45-75 का टेस्ट है, रेंज मार्क्स यहाँ पर बनी है, और 60 एवरेज बनी है, इसके टॉपर के बिल्कुल पास हैं, तो टेस्ट 2 में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि इसने बेस्ट परफॉर्मेंस दी होगी। फिर देखो, 4 कार्स आर हायर्ड एट द रेट ऑफ 76 पर किलोमीटर प्लस द कॉस्ट ऑफ डीजल एट 40 पर लीटर। 4 गाड़ियां हैं जिनको किराए पे लिया गया है 76 पर किलोमीटर, रुपीज़ हो डॉलर्स हो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कंपेयर करने के लिए बोलेंगे हमें, और फिर डीजल की कॉस्ट है 40 पर लीटर। अब हमें बताना है, सीसैट 2013 का क्वेश्चन है ये, कि विच कार मेंटेन द मैक्सिमम एवरेज स्पीड।
थोड़ा मुश्किल लगेगा देखने में काफ़ी लोगों को, लेकिन लॉजिकली सोचो, सबसे पहले हमें क्या समझ में आ रहा है। हमारे पास ये दिया हुआ है कि रेट क्या है, दिस इज़ 76 पर किलोमीटर, रुपीज़ मान के चलते हैं चलो कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ डीजल क्या बताई हुई है, डीजल इज़ ₹40 पर लीटर, और पूछा क्या हुआ है हमें, मैक्स एवरेज स्पीड। ये तीन इन्फॉर्मेशन हमें सबसे ऊपर से बताई हुई है। अब हम टेबल के अंदर घुस के देखते हैं कि क्या समझाने की कोशिश की हुई है। ए बी सी डी चार गाड़ियां हमें बताई हुई हैं, माइलेज दी हुई है किलोमीटर पर लीटर में सभी गाड़ियों की, टोटल नंबर ऑफ आर जितनी गाड़ी चलाई है और टोटल पेमेंट कितनी करी है। एक गाड़ी की माइलेज अगर हमें किलोमीटर पर लीटर में दी हुई है, इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी 1 लीटर गाड़ी ए जो है ये 8 किलोमीटर चल रही है, और हर एक लीटर में इसको ₹40 भी खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये ₹40 में 8 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, ए की बात कर रहा हूँ मैं। ये सभी गाड़ियाँ ₹40 में इतने किलोमीटर चल रही हैं, सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गई है। और हमें ये बता दिया कि कितने घंटों के लिए गाड़ी चली है, और हमसे पूछा हुआ है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एवरेज स्पीड गाड़ी की, एक पर्टिकुलर स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड विल लुक एट द टोटल एवरेज डिस्टेंस किलोमीटर में, और हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द टोटल टाइम आवर्स में। तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब आवर्स तो हमें क्लियरली दिए हुए हैं हर गाड़ी के, यहाँ पर आप देखो बड़े आराम से आपको आवर्स मिल जाएंगे जितना गाड़ी चली है, किलोमीटर्स नहीं दिए हुए। अभी किलोमीटर्स कैसे निकालेंगे, किलोमीटर निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी माइलेज क्या है और टोटल पेमेंट कितनी हुई है। मैं ये मान के चलता हूँ कि लेट्स से हर गाड़ी एक्स किलोमीटर चल रही है, हर एक गाड़ी के लिए हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब एक्स किलोमीटर चलने का मतलब ये है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट आई है फॉर फर्स्ट केस, ये ₹21.20 आई है। ये कॉस्ट क्या कंप्राइज करती है, ये देखो आपको दिया हुआ है कि इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले 76 पर किलोमीटर, मान लो एक्स किलोमीटर चली है तो 76x रुपीज़ तो गाड़ी के ऐसे ही लग गए हमारे, जो कि टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर जितनी चलेगी पर किलोमीटर 76 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे, ये तो हमारी कॉस्ट आई गई। उसके बाद बोला है इन एडिशन टू दिस, प्लस बोला हुआ है ना कि 40 पर लीटर डीजल भी लगता है, हर 8 किलोमीटर पे ₹40 लग रहे हैं। फॉर एवरी 8 किलोमीटर्स ₹40 आर बींग स्पेंट, तो 1 किलोमीटर पे कितने रुपए खर्च होंगे, 40/8, यूनिटरी मेथड है बेसिकली। और इसका मतलब क्या है कि एक्स किलोमीटर पे कितने रुपए खर्च होंगे, 40/8x, ये हमारी एक्स किलोमीटर्स की वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या है, 40/8x खर्चा आया हमारा डीजल का। तो हमारे हर केस में ये तो सेम ही रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करते जाना है फॉर एवरी पर्टिकुलर कार, और एक्स की वैल्यू निकालते हुए जाना है और उसको हमें कंपेयर कर लेना है एवरेज स्पीड निकाल के। इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सिंगल क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स का है, एग्ज़ाम में आपकी क्या सिचुएशन है, कितना स्ट्रांग आप पेपर करते जा रहे हो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे कि इसको आपको इमीडिएटली करके 2.5 मार्क्स सिक्योर करने हैं कि आप बाकी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करते हुए जा रहे हो और उसको आप बाद में करना चाहोगे क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, ये डिसीजन एग्ज़ाम में लेना होता है। मेरा काम आपको टाइप सिखाना है अभी, और डिफ़िकल्ट हो चाहे इजी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने के तरीके दिखाने हैं, इसलिए मैं आपको बताता चलता हूँ। ये यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम सेव कर रखते हैं, बिकॉज ये 76x तो हमारा सेम रहेगा, ये 40/8x वाला जो पोर्शन है इसमें बार बार हमें ये 10, 9 और 11 रिप्लेस करने पड़ेंगे इन द डिनोमिनेटर, ये ध्यान रखना। पहले वाले केस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 648x/8। मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ अभी किसी भी चीज़ को, वो आप खुद भी कर सकते हो, इज़ इक्वल टू 2120। इसको सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कार ए के लिए जो टोटल डिस्टेंस है वो आ रहा है लगभग 26.1 किलोमीटर्स। 26.1 किलोमीटर्स को आप 20 से डिवाइड करोगे तो फाइनल जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी फॉर कार वन विल बी 1.305 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अब कार बी के लिए कैलकुलेट करोगे आप, टोटल खर्चा आपको पता है कि ₹1950 हुए हैं। अब आपको ये पता है कि 76x तो आपका लगेगा ही लगेगा जो आपको कार का रेंट देना है, प्लस डीजल का खर्चा आपको बताना है। अब यूनिटरी मेथड में इस 8 की जगह पर आप
नई मैली जो है 10 रिप्लेस करोगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। सो दिस वुड बी 40 अपॉन 10 एक्स जो डीजल का खर्चा आया है। ये 40 अपॉन 10 एक्स आने से आपको सॉल्व करने पे एक्स की वैल्यू दोबारा निकालनी पड़ेगी फॉर कार बी। एक्स यहाँ पर आ रहा है 24.37। फिर इस किलोमीटर्स को आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे डी बाई टी में। टाइम आपको पता है 25 आवर्स है, तो 25 कर दोगे तो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 25 आवर्स हमने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पर स्पीड निकालने के लिए। तो ये आपका आएगा 0.97। तो हम 0.97 बी के लिए मान लेते हैं। फिर सी को कैलकुलेट करेंगे। सी के लिए देखो, हमें यहाँ पर 9 किलोमीटर्स 40 रुपये मिल रहे हैं, तो ये 40/9 हो जाएगा। टोटल कॉस्ट यहाँ पे देखो 2064 आ रही है, 76x तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। फिर 40/9x हमारी कॉस्ट डीजल की हो गई है। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 25.65। अब हमें स्पीड निकालनी है, तो हम यहाँ पर 24 आवर्स हमें दिए हुए हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। ये आ रही है वैल्यू 1.06। फिर d के लिए कैलकुलेट करते हैं। हमें 11 किलोमीटर्स बोला हुआ है फॉर 40 रुपीज़, तो ये 40/11 हो जाएगा। टोटल हमें 1812 बताया हुआ है, 76x ऐसे ही रहेगा। फिर 40/11x हो गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 22.75 सॉल्व करने पे। फिर हमें स्पीड देखनी है 22.75, यहाँ पे 22 आवर्स हमें बताया हुआ है। दिस वुड बी 1.03। आपसे पूछा क्या हुआ है, मैक्सिमम एवरेज स्पीड कहाँ पे निकल के आ रही है, वो आ रही है 1.305 कार ए के लिए। लंबा क्वेश्चन था, 2.5 मार्क्स के लिए मेहनत ज़्यादा करवा रहा था, लेकिन फिर भी तरीका हमें आना चाहिए।